तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी। ये ए बी सी, इस ट्राइंगल को ए बी सी मार्क कर लिया। और गिवन है, तो गिवन के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, लेट एंगल बी को एक्स ले लेते हैं। तो ये आपका एंगल बी आपका एक्स हो गया, और अकॉर्डिंगली जो आपका एंगल ए होगा वो 2x हो जाएगा। तो ये एंगल 2x हो गया आपका, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रोड्यूस करता हूँ, प्रोड्यूस सी ए टू डी। इस सी ए को मैंने प्रोड्यूस किया डी तक, ऐसे मैंने इसको प्रोड्यूस किया, डी तक प्रोड्यूस किया इसको, और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि सी ए, हाँ, जो आपका ये ए डी है वो ए बी के इक्वल हो जाना चाहिए। इस तरह से मैंने प्रोड्यूस किया ताकि ये और ये इक्वल हो जाए। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो अगर इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। आइसोसेलीस ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अगर मैं इसको y ले लूं और इसको भी y ले लूं, तो देयर फोर 2x इक्वल टू 2y। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी इस ट्रायंगल पे, तो यहां से x और y इक्वल हो गए हमारे, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन गिवन है उसके हिसाब से ये वाली साइड मेरी ए है, ये वाली साइड मेरी बी है, ये वाली साइड सी हो गई, और ये वाली साइड भी सी हो जाएगी, ठीक है ना, बाय कंस्ट्रक्शंस। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो, अब आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी को मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूँ किसके, ट्रायंगल बी डी सी के, ठीक है ना। तो बड़े आराम से आप देखो प्रूव कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो, ये इस वाले ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूव किया है इस बड़े वाले ट्रायंगल को, ये देखो। तो आप देख सकते हो कि छोटे वाले ट्रायंगल का 2x और बड़े वाले ट्रायंगल का ये भी 2x हो जाएगा, x और y इक्वल है, ठीक है ना। और ये छोटा वाला x और ये y इक्वल हो गया, तो यहाँ से ये ए ए सिमिलर, एक ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ए ए क्राइटेरिया था यहाँ पर, दोबारा लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना हो गया, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, यहाँ से ए सी आएगा और यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी सी आ जाएगा। तो बस इसको अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो ए अपॉन और डी सी हो गया आपका सी प्लस बी, और ए सी हो गया आपका बी, और बी सी आपका ए हो गया। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस बी आ जाता है, यानी कि प्रूव्ड जो चाहिए था आपको मिल गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इस तरह से, तो सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखें क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम मार्क करते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब है कि ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। आइसोसेलीस ट्रायंगल की वजह से ये दो एंगल्स आपके इक्वल होंगे। फिर ये कह रहा है कि सर्कल इज ड्रॉन टचिंग द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली एंड ऑल्सो द ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमको जो इस तरह से इसको टच करेगा इंटरनली,
ठीक है, यहाँ से ऐसे एक सर्कल ऐसे बनेगा, इसको टच करता हुआ ऐसे एक सर्कल बनाए, सर्कल है ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को पी कह रहे हैं, इस वाले पॉइंट को क्यू कहा जा रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि इस पी क्यू को अगर हम जोड़ दें तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट को अगर हम आई बोल देते हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होगा ए बी सी के, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं सबको, यहां से इसको, ये इधर से मिड पॉइंट को हमने जोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे, यहां पर ये पहुंच गया ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बना, और इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। अच्छा अब यहां पर देखो हमारा एम क्या रहेगा, यहां पर देखो ये तो आइसोसेलीस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलीस ट्रायंगल है और मैंने इसके मिड पॉइंट पे जोड़ दिया ऐसे, मिड पॉइंट ले, आई को मिड पॉइंट ले रखा है ठीक है ना, यानी कि आई इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दो एंगल इक्वल हो गए है ना, कॉन्ग्रेंसी से ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एक एंगल बाइसेक्टर ये है, आई से पास हो रहा है। अगर मैं प्रूव कर दूं, अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि बी आई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो जहां पर दो एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं वो अपने आप इन सेंटर हो जाएगा ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसीड करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो एंगल बी है, ये वाला जो ब्लैक वाला है, इसका कुछ नाम रख देते हैं, बीटा रख देते हैं इसको, ये वाला एंगल भी आपका बीटा, इसको दोनों इक्वल है तो बीटा रख देंगे ठीक है ना। ये देखो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पी और क्यू, ये वाला दो एंगल भी इक्वल ही होंगे क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ये दो एंगल भी इक्वल होंगे आपके, ये दो एंगल भी इक्वल होंगे ये सारे दो एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये लेंथ ए पी और ये इक्वल होगा, ये दो एंगल इक्वल है पहले से ही, उसका मतलब ये भी बी ही होना चाहिए, ये एंगल भी बीटा ही होना चाहिए ठीक है ना। तो अब इधर से हम इसको ज्वाइन करें और इसको भी अगर ज्वाइन कर लें, ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, इनको मैं अल्फा ले लेता हूँ फिगर में ही, ये जो दो एंगल लाल रंग से मैं इनको हाईलाइट, लाल रंग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाई सिमेट्री इक्वल होंगे तो ये अल्फा। तो इस हिसाब से देखो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना है फ्रॉम द फिगर, आप देख सकते हो पी क्वाड्रिलेटरल पी बी, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको टी रख लेते हैं, तो पी बी टी आई आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्रीज है पूरा का पूरा, ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्रीज होगा पूरा, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज होगा पूरा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज है, ऑपोजिट एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, तो ये साइक्लिक हो गया ये वाला। तो एक सर्कल जो यहां से पास होगा ऐसे, ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रेटिक बन गया। इसका मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये भी अल्फा हो जाएगा, देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट, इस सेगमेंट पे ये एंगल अल्फा और ये एंगल भी आपका अल्फा ठीक है ना।
अच्छा अब ये देखो ये साइक्लिक हो गया, तो यहाँ पर लाल और ये वाला एंगल भी अल्फा, ये वाला एंगल भी अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि ए बी इज टेंजेंट, ए बी आपका जो टेंजेंट है टू, ये देखो ये जो सर्कल मैंने बनाया था पहले, तो सर्कल एट पी, देयरफॉर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, एक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उस ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये वाला जो एंगल आपका बनेगा, देखो ये आपका टेंजेंट जा रहा है इधर की, ये कॉर्ड जा रहा है, तो टेंजेंट और कॉर्ड जो एंगल बनाएंगे वो उस टेंजेंट के द्वारा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में बना हुआ, ऑपोजिट है ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट बना हुआ एंगल के इक्वल होगा। भाई ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो आपका एंगल बीटा है वो आपका ट्वाइस ऑफ अल्फा हो गया। देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से, किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की, इस एंगल की बात हो रही है, इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल इसके पूरे के इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब यहाँ से सीधे से आपको मिल गया कि एंगल जो अल्फा होगा वो हाफ ऑफ एंगल बीटा हो गया, ये तो चाहिए था, ये पूरा बीटा का हाफ हो गया। डियर फोर बी आई इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी, बस हो गया काम। तो अब आपको पता है कि जहां पर दो बाई सेक्टर मीट करते हैं वो क्या बनता है, बी आई इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी, और ए आई जो है वो एंगल बाई सेक्टर था ऑफ एंगल ए, डियर फोर आई इज इन सेंटर, हो गया प्रूव। तो मैंने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का, यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करके कर दिया आपको प्रूव, ठीक है ना, डन। तीसरा वाला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल विथ एंगल सी 90 डिग्रीज, तो सी पे 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पर आपका सी पे 90 डिग्रीज हो गया आपका। ए और बी कहीं भी मार्क कर लेते हैं, इसको ए मार्क कर लेते हैं, इसको बी मार्क कर लेते हैं। इस सर्कल का कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, तो सेंटर से अगर इसको जोड़ दे और इसको जोड़ दे और इसको जोड़ दे, तो ये तीनों आपके आर हो जाएंगे इन रेडियस, ये भी 90 डिग्रीज होता है, ये भी 90 डिग्रीज होता है, तो ये भी 90 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर इसका नाम, ये जो आपका फिगर, कुछ नाम रख देते हैं इसका डी, इसका नाम ई रख देते हैं, इसको एफ रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है सी डी, इसका नाम ओ रख देते हैं, तो सी डी ओ एफ एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये लेंथ भी आर हो जाएगी और ये लेंथ भी आर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनको कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं एक्स को एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये भी एक्स होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना, ये दोनों टेंजेंट्स हो गए। और यहाँ से मैं इसको वाई और वाई एज्यूम कर लेता हूँ, ये एज्यूम कर लेता हूँ। नाउ अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी सी, और अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं अकॉर्डिंग टू द फिगर, तो ये एक्स प्लस आर हो गया और ये वाई प्लस आर हो गया, पूरा अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाफ ऑफ एक्स वाई प्लस आर एक्स प्लस वाई और ये आर स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। तो यहाँ से हम हाफ और हाफ काटे हैं तो ए सी क्रॉस बी सी की वैल्यू निकल आती है, तो ए सी क्रॉस बी सी की वैल्यू निकल आती है, हाफ और हाफ कैंसिल, एक्स वाई प्लस आर, ये एक्स प्लस वाई को मैं ए बी लिख सकता हूँ, प्लस आर स्क्वायर, इसको मैंने रख लिया, ठीक है ना, तो इसको मैंने फर्स्ट मान के रख लिया। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ी है आगे, अब मुझे निकालना है ए आई इंटू बी आई, और ए आई, ए आई का मतलब है मुझे ए आई को ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं ए आई को ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा ए आई
आई इसने इन सेंटर बोला है ना, हाँ, तो इसको ओ को आपने रखना पड़ेगा आई, ओ को आपने आई रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, तभी ये एआई बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि ये जो ओ है आपका, इस ओ को हम आई लिखते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से एआई, क्योंकि मुझे एआई चाहिए, तो एआई अगर है तो एआई यहाँ से आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो एआई का स्क्वायर निकाल लेते हैं और बीआई का स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एआई का स्क्वायर यहाँ से फिगर से देखोगे पाइथागोरस से, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आ, ये एआई का स्क्वायर हो गया, और बीआई के लिए मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा, बीआई का स्क्वायर, तो बीआई का स्क्वायर आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, आर स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आर की पावर 4 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर, और इसको मैं जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसे ब्रैकेट क्लोज, और ये आर 4 को ऐसे रहने देता हूँ। तो एक्स प्लस वाई की जगह मैं ई भी लिख सकता हूँ, तो ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आर स्क्वायर 2xy प्लस आर की पावर 4। और इसको जब आप यहां से आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर तो हटा दो यहां से, और इसको देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और आर स्क्वायर 2xy आर 4, तो ये सीधे सीधे से आपको बन जा रहा है आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से ये आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये आपको जब जब आप एक्स वाई की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, मैं आपको इसको वन फ्रॉम वन, एक्स वाई की वैल्यू हमने, ये जो एक्स वाई की वैल्यू यहां से उठाई और यहां पर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक है ना। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ए सी, ये ऐसा बन जाएगा 2R² माइनस ए सी डॉट बी सी प्लस आर ए बी का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या हो सकता है इसके आगे, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट, तो यानी कि मैंने ए आई का स्क्वायर डॉट बी आई का स्क्वायर निकाल लिया। नाउ ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका बन जाएगा आर इंटू एस, और यहाँ से जो एस की वैल्यू है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो ट्रायंगल के, तो ये आर प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, आर प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस वाई, ये मैंने बना लिया, तो यानी कि ये बन गया आर इंटू आर प्लस ए बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, आर इंटू आर प्लस ए बी, तो यानी कि ये क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस आर ए बी। तो बेसिकली मैं आर ए बी की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, आर ए बी की वैल्यू यहां पर, ठीक है ना। तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ए सी डॉट बी सी, ये देखो एक काम करेंगे, ए सी डॉट बी सी को रिप्लेस करेंगे, ये जो ए सी डॉट बी सी है उसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इसको, ए सी डॉट बी सी की वैल्यू, तो फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए
मैं इसको ए आई का स्क्वायर डॉट बी आई का स्क्वायर इक्वल टू, देखो आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर ये 2R² ए सी बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ए सी बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, तो 2R² 2R² कट गया, तो ये अंदर वाले ब्रैकेट में केवल आर ए बी बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस, यहाँ से ये कट जाएंगे पूरे के पूरे, तो ये आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर यानी कि 2R² ए बी स्क्वायर डन। देयरफॉर फाइनली आंसर आ गया ए आई डॉट बी आई इज इक्वल टू, जब अंडर रूट करोगे इसका तो 2 पे अंडर रूट रहेगा, ए बी अंडर रूट से बाहर और आर, इसका मतलब ये डन हो गया। ठीक है ना, अब ये वाला देखो फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला कहता है कि आर बी द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, एक आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल है ट्रायंगल के अंदर, और सो डेट आर इज लेस देन हाफ ऑफ आइदर लेग्स। तो हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल तो है ही हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर राइट एंगल ले लेते हैं, इस वाले वर्टेक्स को कुछ नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं, चलो इसको इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये बोलता है आर इज लेस देन हाफ ऑफ आइदर लेग्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं एक काम करता हूं, इस वाले पॉइंट को ई ले लेता हूं, इस वाले पॉइंट को डी ले लेता हूं, इस वाले पॉइंट को एफ ले लेता हूं, यहां से डायमीटर बनाता हूं, एक डायमीटर ये हो गया ई ई डैश, एक डायमीटर ये हो गया एफ एफ डैश, और एक डायमीटर ये हो गया डी, ठीक है कुछ नाम रख देते हैं डी डी डैश रख देते हैं, ये देखिए ठीक है ना। हाँ अब एक काम और कर देते हैं, एक लाल कलर से मैं यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूं, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, इसका नाम रख देते हैं सी, कुछ रख देते हैं सी के रख देते हैं जी, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, तो मैंने सॉल्यूशन की शुरुआत यहां से हुई, ड्रॉ सी के परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी कि ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहां से देखोगे इन द फिगर, आप फिगर देखो, ये देखो ये जो डी डी डैश है, डी डी डैश आपका जो भी है डी डी डैश, ये एके से छोटा होगा एंड आपका जो ये एके है ये दोनों साइड से छोटा होगा, एसी से भी छोटा होगा एके, और एके जो है आपका सीबी से भी छोटा होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इतना लिख दूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए, हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। यहां से जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा जो डी डी डैश है वो लेस देन एसी, एसी से भी छोटा है, और आपको यहां से मिलेगा जो डी डी डैश है वो सी बी से भी छोटा है, और डी डी डैश क्या, मैंने डायमीटर लिया हुआ है अंदर वाले सर्कल का डायमीटर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2R इज लेस देन ए सी एंड 2R इज लेस देन सी बी। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो प्रूव हो गया कि आपका जो R है वो ए सी के आधे से भी छोटा है, और जो दूसरी वाली साइड है उसके आधे से भी छोटा है, कितना छोटा है इसकी कोई बात नहीं लेकिन छोटा जरूर है, ये हमारा प्रूव हो गया एक पार्ट, और हाइपोटेनस भी बोल रहा है इस पे, हाइपोटेनस भी बोल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एक काम करते, देखो ड्रॉ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का हम सरकम सर्कल बना लेते हैं, इस कलर से बना लेते हैं, ये देखो
ये हमने बना लिया एक सर्कम सर्कल बना लिया। मान लो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, ये मान लो सेंटर इसका, ठीक है ना, ये ओ ले लेते हैं। अब क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल है, आप देख रहे हो राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये आपका जो हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल का वो डायमीटर का काम करेगा, ए बी विल बिकम द डायमीटर। तो इसका मतलब ए बी आपका 2R हो गया है, कैपिटल आर, आर आपका ये, इसको आर ले लेते हैं कैपिटल आर, इसको आर ले लेते हैं कैपिटल आर, और इस आर को जोड़ देते हैं इससे, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा, तीनों कैपिटल आर हो जाएंगे। फिगर पे मत जाओ, डायमेंशन पे मत जाना, जो बता रहा हूँ उस पे जाओ, थ्योरी पे। तो ए बी डायमीटर हो गया आपका। अच्छा अब यहां पर देखो सेम चीज, सेम चीज अगर आप देखोगे यहां पर, तो फिगर थोड़ा सा नीचे करें, तो वापस देखो ये जो अंदर वाले सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है ना, वो ऑब्वियसली किससे, ये छोटा होगा इससे, है ना, किससे, अंदर वाले सर्कल का जो डायमीटर है डी डी डैश आपका छोटा होगा किससे, सी सी के से छोटा होगा, और जो ये सी के है वो ओ सी से छोटा होगा। तो इसका मतलब है डी डी डैश मतलब 2R इज लेस देन ओ सी, ओ सी आपका है ना, ओ सी, ओ सी क्या है आपका, बेसिकली ए बी का आधा ही तो है, देखो ओ सी मतलब R, तो ए बी मतलब 2R, ओ सी इक्वल टू 2R, नहीं ओ सी इक्वल टू 2R नहीं है, ट्वाइस ऑफ ओ सी इक्वल टू 2R है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू आर बोल सकते हैं, है ना, ओ सी इक्वल टू आर बोल सकते हैं। तो आर इक्वल टू ए बी बाई टू, आर को मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई टू, लीजिए हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका प्रूव हो गया विच इम्प्लाइज आर इज लेस देन ए बी बाई 4, यानी हाइपोटेन्यूस से ये रिलेशन होगी। डन, ठीक है ना, तो दोनों से प्रूव हो गया। ये देखो ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेट सी डैश बी एनी पॉइंट ऑन द साइड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा, ए बी सी ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, यहां कहीं ए इधर ले लेते हैं, बी इधर कहीं सी ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि लेट सी वन बी एनी पॉइंट ऑन द साइड ए बी, ए बी पे एक पॉइंट आपने सी वन लेना है, ठीक है ना, सी वन। फिर कह रहा है ड्रॉ सी वन सी मीटिंग ए बी एट सी वन, एक लाइन में इन दोनों को जोड़ना है, मतलब बेसिकली ऐसे जोड़ना है इनको, और यहां से पैरेलल टू इतना मीट प्रोड्यूस, इतना ए वन एंड बी वन, और इनको जो है प्रोड्यूस करना है, यहां से इसको ऐसे प्रोड्यूस किया आपने, इसको यहां से प्रोड्यूस किया ऐसे, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है, ये वाला इसके पैरेलल खींचनी है, और यहां से इन दोनों के पैरेलल एक और लाइन खींचनी है, ये भी पैरेलल है, तीनों पैरेलल हैं। फिर इसको भी जॉइन जोड़ देना है और इसको भी प्रोड्यूस कर देना है, ये आपका सी टू हो जाएगा पॉइंट, ये ए वन ले लिया है और
और ये वाला बी वन मिल गया, ये है देखो। तो सॉल्यूशन में क्या जाएगा? अच्छा हाँ भैया, सिमिलरिटी लग जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, क्या लें, बी सी सी वन, बी सी सी वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए वन ए, है ना। ये एंगल कॉमन और ये पैरेलल लाइंस की वजह से ये दो एंगल्स इक्वल, सिमिलरिटी तो देख सकते हो। सिमिलरिटी से यहां से प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, सी सी वन अपॉन ए वन ए इक्वल टू सी वन बी अपॉन ए बी पूरा, है ना। तो है ना, ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल पे, इस बड़े ट्रायंगल में भी और इस छोटे ट्रायंगल में भी, ये बी कॉमन है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है ना। हाँ तो उसी तरह से इसमें भी देख लो, ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, प्रोड्यूस किया है वो हाथ ही लिया है, वो स्ट्रेट लाइन है। नाउ ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल देख लो, ए सी सी वन, ए सी सी वन जो है आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल के ए सी सी वन ए बी वन बी, ए बी वन बी, ठीक है ना। नोट करना ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ हाँ तो बस यहां से सी सी वन अपॉन बी वन बी इज इक्वल टू ए सी वन अपॉन, यहां से ए सी वन लिया तो यहां से ए बी लेना पड़ेगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग वन एंड टू। तो आप दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है, सी 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 वन अपॉन ए वन ए प्लस सी सी वन अपॉन बी वन बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे है सी वन बी प्लस ए सी वन अपॉन ए बी। तो आप गौर से देखो, सी वन बी और ए सी वन मिला के ए बी बन जाएगा, तो ये ए बी बाई ए बी कट के वन होगा, तो देयरफॉर इसको अरेंज कर लो, वन अपॉन ए वन ए प्लस वन अपॉन बी वन बी इक्वल टू वन अपॉन सी सी वन, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, ये देखिए, ठीक है ना। ये कह रहा है डायगनल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन पेयर। हाँ तो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास कॉन्वेक्स, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी डी, हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दिया, और हम क्या करते हैं इसके डायगनल्स बना लेते हैं, इसके डायगनल्स बना लेते हैं हम लोग। एक डायगनल इसका ये रहा, एक डायगनल इसका ये रहा, अच्छा, और साइड की लेंथ को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करने का मतलब है कि कोई वेरिएबल्स में, एक काम करते हैं इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ओ ले लेते हैं, चलो, और इसको आर ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, और इसको एस ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ अगर हम ये बोलें, सपोज लेट, मान लो सपोज करो इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, लेट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्रीज, हमने एज्यूम कर लिया कि 90 डिग्रीज है। अब देखो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहां पर, तो सारे 90 डिग्रीज होंगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू देखूं ऑपोजिट में, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका बन गया। अब देखो, अगर मैं पी स्क्वायर और एस स्क्वायर को लिख लूं तो ये डी स्क्वायर बन जाता है, और अगर मैं आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को लिखूं तो ये बी स्क्वायर बन जाता है। तो यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पाइथागोरस यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हम लोगों ने इस पर, ठीक है ना। अच्छा, अब सपोज, अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि लेट ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर ये 90 डिग्रीज नहीं है तो क्या होगा भैया? या तो ये एंगल अक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर ये अक्यूट हुआ तो अगला वाला ऑब्ट्यूज, और ये ऑब्ट्यूज हुआ तो अगला वाला अक्यूट, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहे हैं यहां पर। तो यहां से अगर हम देखेंगे, हम मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ये या तो ऐसा आएगा जो ए स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो जो बी स्क्वायर हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के, और जो सी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के, और जो डी स्क्वायर है वो लेस देन हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के। तो यहां से आप सीधे देख सकते हो, विच इंप्लाइज कि आपका जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा वो, इसको देखो अगर आप करोगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। तो अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो, मैंने इसको ऑब्ट्यूज माना हुआ है, ऑब्ट्यूज के हिसाब से ऐसा होगा। अगर मैं इसको एक्यूट मानता, इस वाले को एक्यूट मानता, तो ये उल्टा हो जाता, तो इक्वल नहीं आते, या तो ये बड़ा हो जाता या तो ये बड़ा हो जाता, ठीक है ना। ये हुआ आपका, ये वाला क्वेश्चन भी डन, जिसका 90 डिग्री होगा तभी ऐसा होगा। इन ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी इन डी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। अच्छा, तो यहां पर ये कह रहा है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एक मान लेते हैं, इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो इस एंगल ए को जो बाइसेक्ट करेगा वो क्या कर रहा है? मीट, ऐसा कुछ है, मीट बी सी इन डी। ओके, तो एक काम करते हैं हम, इसका ना एक सर्कम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड लेट बाइसेक्टर ए डी, ये बाइसेक्टर आपका ए डी हो गया, एंगल बाइसेक्टर, मीट सर्कम सर्कल एट ई, हम इसको ई मान लेते हैं, ये आपका बन गया। देखो इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, लीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं नाउ, आप देख सकते हो, आपने एक ट्रायंगल लिया है, इसमें से एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी को हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं किसके, ए सी के, ए सी के। अब आप, मैं इसको शेड करके दिखाता हूं मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और इसको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं किसके, इसके। क्यों? दो कारण है,
पहला कारण तो ये है कि इसके दो एंगल इक्वल दिए हुए, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिए हुए, लाल से मार्क कर देता हूँ इनको, ये दो एंगल इक्वल दिए हुए आपको बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है ना। और दूसरा वाला यहां से अगर आप देखो तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्या वजह है? एंगल इन सेम सेगमेंट, बस हो गया काम। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल हो गए और ये दो इक्वल है पहले से ही, तो दो एंगल की वजह से हो गया बाय ए कॉरलरी सिमिलैरिटी डन। अब प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी लगाने के लिए जो चाहिए मैं उतना ही लूंगा, मैं मुझे ईडी की जरूरत है तो ईडी ले लेता हूँ। तो ईडी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन यहाँ से ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो यहाँ से मुझे ए बी मिल जाएगा, मुझे ए बी चाहिए था, देखो ए बी चाहिए था, और यहाँ से ए सी मिल जाएगा, मुझे ए सी चाहिए था, तो ए सी भी मिल गया, और इक्वल टू ए डी डॉट ए ई। अब फ्रॉम द फिगर, अब यहां से देखो ए डी ए ई जो है वो ग्रेटर देन है ए डी से, देखो फ्रॉम द फिगर ए डी और पूरा ये ए ई बड़ा हो गया, ए ई को रिप्लेस कर देता हूं ए डी से, तो देयर फोर जब मैं ए बी डॉट ए सी लिखूंगा और यहां पर मैं ए डी और इस ए ई को रिप्लेस कर दूंगा ए डी से, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी छोटी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी बड़ी। तो यहां से आपको मिल गया देयर फोर ए डी का स्क्वायर इज लेस देन ए बी डॉट ए सी, तो यहां से ए डी इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड ए सी डन। इसी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये ठीक है ना, ये क्या कह रहा है? इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डी इक्वल टू टू ट्वाइस ऑफ बी, अच्छा एंगल है तो डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ये एंगल है, ए बी ए दिया हुआ है, बिटवीन ए बी एच, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो इसके हिसाब से ट्रेपीजियम को मार्क कर देते हैं, ये ट्रेपीजियम है मान लो, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम हो गया, और अकॉर्डिंग टू द गिवन ए डी आपको ए दिया हुआ है, तो ये आपको ए दिया हुआ है ये वाला लेंथ, सी डी आपको बी दिया हुआ है ये वाला लेंथ आपको बी दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, वो सपोज करो क्या दिया है, एच एच दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, एंगल डी जो है ट्वाइस ऑफ एंगल बी है, तो यानी कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका टू थीटा है। एक काम करते हैं इसका बाइसेक्टर बना देते हैं, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, तो यानी कि ये टू थीटा है तो थीटा में ब्रेक हो जाएगा ये, इसको ई ले लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर का नाम हो गया डी ई ऑफ एंगल डी, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये भी थीटा हो गया, तो हो गया काम आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज आइसोसेलेस, तो देयरफॉर ए ई आपका ए हो गया, और ये देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। नाउ ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया सीधे सीधे, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल,
ये हो गया। अब अगर ये पैलोग्राम हो गया तो ये ऑपोजिट, ये भी बी हो जाएगा। तो बस ये तो सिंपल हो गया, यहाँ पर काम खत्म। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी बी प्लस ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका एक्सप्रेशन हो गया हाफ ऑफ ए प्लस टू बी इंटू एच। डन। ये तो सबसे आसान था। ये देखा, ये कैसा है? हाँ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए सी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए सी, यानी कि इस बार भी एक राइट ट्राइंगल है हमारे इस क्वेश्चन में। राइट ट्राइंगल है, एम इज द मिड पॉइंट, इसको हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, ए सी इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं एम, यानी कि ये दोनों इक्वल है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू एम पी, इसको हमने ए, इसको ए बी सी, इसको बी पे है 90 डिग्री है, यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं आपने, इसको एक्सटेंड करना है। और ये वाला आपका पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट आपका एन है, और याद रखना आपने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, ये ऐसा कुछ। तो आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं और आपको ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है? ये हो गया आपका। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सिंपल लग रहा है भैया, मिड पॉइंट है। तो जो डायमेंशंस हम मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, डायमेंशंस आपको दिया हुआ ए बी बी सी, एम एन जो है 3 सेंटीमीटर, ये आपको 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और पी एन आपको 9 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये दो चीजें आपको दी हुई है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये तो सिमिलरिटी, ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है, और भी ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। ये देखो एम एन सी, ट्राइंगल एम एन सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम ए पी। मैंने ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, एम एन सी ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया एम ए पी के, एम ए पी ये पूरा, इसको दूसरे कलर से दिखा दूं मैं आपको। ये हाँ, ये देखो एक कारण तो आपको 90 डिग्री दिख ही रहा होगा, इस वाले ट्रायंगल पे ये 90 डिग्रीज हैं, और इस छोटे वाले ट्रायंगल पे ये हो गया 90 डिग्रीज, ठीक है ना? एक एंगल और चाहिए, एक एंगल आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन आपको, आप ये देख सकते हो कि ये देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ऐसे, है ना? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये एक डायमीटर बन जाएगा। देखो ये, यहां से ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दो एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, लाल से जो शेड किया हुआ है, ठीक है ना? तो आप लाल, और एक लाल वाला ये हो गया, और इस पर 90 डिग्री मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये 90 डिग्री इस पर हो गया, और इस पर ये 90 डिग्री हो गया। देखो दो एंगल हो गए, ठीक है ना? ए से सिमिलर हो गया, तो सर्कल की प्रॉपर्टी से ये दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है ना? और अच्छा, सर्कल की प्रॉपर्टी भी हो रही है, एक और चीज हो रही है, अगर आप इन दो ट्राइंगल्स पर देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकते हो। एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, वो भी हो सकता है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी, या जो भी आप यूज करो दोनों में से। चलो अल्टीमेटली आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, बस हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो फिर क्या बचता है, फिर प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं, एम एन अपॉन एम ए इक्वल टू एम सी अपॉन अपॉन एम पी। यहां से देखो क्या बनता है, ठीक है ना? एम एन की वैल्यू आपको दी हुई है 3, एम ए की वैल्यू आपके एक्स है,
एमसी की वैल्यू आपकी एक्स हो गई, ठीक है ना, एमए और एमसी इक्वल है ना, तो एमए डॉट एमसी इक्वल टू एमएन आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और एमपी आपको एम से लेकर पी तक 6 और 9 3 12, तो यानी कि 36 हो गया। तो इसको मैं एम सी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 36, तो विच इम्प्लाइज एम सी इक्वल टू 6, ये आपका 6 सेंटीमीटर का आ गया भाई, ये भाई ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एन एम सी, पाइथागोरस थ्योरम से आप एन सी की वैल्यू निकाल लोगे, एन सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आपका 3 रूट 5। ठीक है ना, वापस सिमिलैरिटी या एक और प्रॉपर्टी, बी एन डॉट एन सी इक्वल टू पी एन डॉट एन एन, इसको अगर आप यूज करोगे तो यहां से आपको बी एन मिल जाएगा, तो यहां से आपको बी एन मिल जाएगा पी एन 9 डॉट एम एन 3 अपॉन एन सी, आपने अभी भी निकाला 3 रूट 5, तो ये आपका आ गया 9 अपॉन रूट 5, ये लीजिए ये आपके 9 अपॉन रूट 5 आ गया, बस और क्या बचा है, देयरफॉर यहां से बी सी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से बी सी की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा और क्या, 9 रूट 5, 9 रूट 5 बाई 5 प्लस 3 रूट 5, 15 और 9 24 24 रूट 5 बाई 5, ऐसा कुछ आ गया। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अब ठीक है ना, अब देखो ये दोनों इक्वल है तो ये भी 6 का हो जाएगा, बस पाइथागोरस थ्योरम, यहां से आप ए बी की वैल्यू निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर 6 12 12 का स्क्वायर 144 माइनस, इसको खोलोगे आप तो ये आपको 12 बाई रूट 5 आपको आंसर दे रहा है, उसको आपने कहा। ठीक है, अब आपका आता है ये क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल ए बी, इसको ए ले लेते हैं फिर, ये छोटा दिख रहा है, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ये 60 डिग्री इसका दे रहा है और ये वाला 30 डिग्री इसका दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री इसका हो गया। फिर कह रहा है कि ट्राइसेक्टर बन रहे हैं इसके दो, एक एक पॉइंट ये हो गया मान लो ई, एक पॉइंट ये हो गया मान लो एफ, तो इसको अगर ऐसे मैं ज्वाइन कर दूं और ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, देखो 60 तो ट्राइसेक्टर एंगल को ट्राइसेक्ट किया है, तो 30 डिग्रीज, ये भी 30 डिग्रीज और ये भी 30 डिग्रीज। अब यहां पर तो सिंपल सी बात आ गई, नाउ ट्राइंगल ए ई सी इज राइट ट्राइंगल, हो गया राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है भैया, ये 90 डिग्री का है, और कुछ दिया है इसमें, ए बी 10 का दिया हुआ है, ए बी पूरा जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये लीजिए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री से हो जाना चाहिए सीधे। नाउ मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल लेता हूं बी सी ए, इस पे मैं बी सी ए साइन 30 डिग्रीज का इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं साइन 30 डिग्रीज का इस्तेमाल करूं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो विच इंप्लाइज बी सी आ जाएगा 131 to 5 5 आ जाएगा, ये वाला आपका 5 का आ गया बी सी, तो 5 का आ गया। उसके बाद आप क्या निकालना है आपको, शॉर्टेस्ट, देखो शॉर्टेस्ट ट्राइसेक्टर तो ये हो जाएगा है ना,
शॉर्टर ट्राइसेक्टर इज सीई, ये आपका सीई आपका शॉर्टर ट्राइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस बड़ा होता है तो ये छोटा हो जाएगा सीई, ठीक है ना। तो सी इज द शॉर्टर ट्राइंगल, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए वापस मैं चले जाता हूँ ट्राइंगल ए बी ई सी में चले जाता हूँ ये वाला, तो मुझे 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो ये काम करते हैं ना, सीधे साइन 60 निकाल लेता हूँ, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से सीधे बन गया सीई की वैल्यू आ गई 5 sin 60 होता है √3/2, सीई की वैल्यू आ गई 5 √3/2, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर बोला है सेंटीमीटर, लो काम खत्म। ठीक है ना। ओ 11th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एबीसी रिप्रेजेंट द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स, तो उसके बाद ये बी ये सी, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये ए है ये बी है और ये स्मॉल सी है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्होंने जो दिया हुआ है उसके हिसाब वो है हाफ ऑफ बी सी, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला भी होता है, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये फॉर्मूला होता है, ये गिवन है, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां से आपको जो साइन ए हो गया वो 1 हो गया, तो ए इक्वल टू 90 डिग्रीज हो गया आपका ए, इसका मैं राइट ट्रायंगल दिया हुआ था, यानी कि राइट ट्रायंगल है, ए पे 90 डिग्री है भाई, ये प्रूव करके आया, ए पे 90 डिग्रीज ये प्रूव करके आया है, ए पे 90 डिग्रीज। अच्छा अब यहां पर एक चीज देखो, अगर ये ए पे 90 डिग्रीज है तो हाँ, अच्छा एडी मीडियन है, ये भी एक चीज है कि एडी मीडियन है, हाँ तो यानी कि इसका मतलब है कि ये इक्वल, अरे भैया ये 90 डिग्री, तो एक ये हाइपोटेनस का काम करेगा और एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे करके, तो ये देखो, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, नाउ ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सर्कम सर्कल बना दिया मैंने ए बी सी का, तो बी सी डायमीटर हो जाएगा, बी सी इज डायमीटर, एंगल इन ए सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, कोई कंफ्यूजन है तो। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी लग के हमारा काम हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखो इस एंगल का रिलेशन चाहिए मुझे इस एंगल के साथ, अगर मैं इसको एक्स लेता हूं और इसको वाई लेता हूं, तो नाउ जो आपका वाई होगा, वाई आपका 2x हो गया, क्यों, सर्कल की प्रॉपर्टी, एंगल मेड बाय अ कॉर्ड एट सेंटर इज डबल दी एंगल मेड बाय दी कॉर्ड ऑन दी सरकमफ्रेंस, ये वाली प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो एंगल वाई है आपका और इस एक्स के का डबल हो जाएगा, बस हो गया काम। तो जो वाई था तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू, यहां पर ऐसा आ जाएगा एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ, जैसा आपको चाहिए एक्स आपका है एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई आपका है। अच्छा इन्होंने वाई इसको इन्होंने डी पॉइंट लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो हाफ ऑफ ए डी सी, ठीक है ना, तो इसको डी लिया हुआ है तो हम इसको ओ क्यू लेंगे, जैसा दिया हुआ है हम वैसा ही लेंगे।
डी दिया हुआ था इसको, डी जी। ठीक है, तो ये भी डन। लेट ए बी सी बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड सी डी बी द ऑल्टीट्यूड थ्रू ए, फाइंड द। अच्छा, ऐसे कुछ कह रहा है कि लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड सी डी बी द, यहाँ पर इसको सी ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना, ए इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, तो ए बी सी बी द एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड सी डी बी द ऑल्टीट्यूड थ्रू सी, यहां से एक ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। फिर ये क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। लेट पी बी मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो इसको मैं पी ले लेता हूं, ये इसका मिड पॉइंट होगा, एंड क्यू बी मिड पॉइंट ऑफ क्या कह रहा है, बी सी, इसका मिड पॉइंट ये ले लेता हूं, ठीक है ना, नाम तो उसने दिया नहीं, तो अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो चाहिए क्या इसको, फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हमारा एम ये है, तो फाइंड पी क्यू, एम आपका है पी क्यू की लेंथ निकालना। अब देखो मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पर, मिड पॉइंट फॉर्मूले का। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ यहां से ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं क्यू आर, तो ड्रॉ क्यू आर परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर हमने पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, या मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों दोनों यूज हो रही हैं। चलो तो देखो यहां पर क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, है ना, जैसे इस एक मिड पॉइंट से एक लाइन जब पैरेलल खींचते हैं एक साइड के, तो दूसरे वाले को भी वो मिड पॉइंट पर ही टच करती है, और ये जो क्यू आर होता है वो हाफ ऑफ सी डी होता है, तो इसका मतलब सी डी की लेंथ तो दी हुई है ना, सी डी की लेंथ तो दी हुई है, नहीं ए बी दिया हुआ है, अच्छा दोनों दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है 8 यूनिट का, ये पूरा का पूरा आपको 8 यूनिट का दिया हुआ है, और सी डी भी आपको दिया हुआ है 6 यूनिट का, तो ये क्यू आर आ गया, देयरफॉर आपको जो क्यू आर मिल गया वो मिल गया 3 सेंटीमीटर का, ये आपको 3 सेंटीमीटर का मिल गया, ये लीजिए, ठीक है ना। हाँ अब यहां पर देखिए हमें निकालना क्या है, पी क्यू निकालना, तो ये ट्राइंगल पे अगर मुझे पी आर मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। नाउ मैं पी आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी आर चाहिए मुझे, नाउ पी आर को लिख सकता हूं मैं पी डी प्लस डी आर, तो पी डी को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए डी, डी आर को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ डी बी, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये हाफ ऑफ ए डी प्लस डी बी आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा ए डी प्लस डी बी हाफ ऑफ 8, तो ये तो हो गया सीधे 4, पी आर आपका 4 हो गया, बस पाइथागोरस थ्योरम, देयर फोर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बस हो गया मेरे ख्याल से, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, सीधे आपको 5 सेंटीमीटर आंसर मिल गया। ये है देखो, ये क्या कह रहा है, अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टेक्स सी ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो पहले तो एक रेक्टेंगल है हमारे पास ए बी, इसको सी लिया और ये डी है, तो रेक्टेंगल है इसका मतलब है 90 डिग्रीज होंगे सारे के सारे एंगल्स,
90 डिग्रीज होंगे आपके, ये ध्यान रखना होगा, और इक्वल भी होंगे ना, रेक्टेंगल है सॉरी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, रेक्टेंगल है ध्यान रखना। तो ओडेज भी तो सेंटर ऑफ द सर्कल, अब एक सर्कल है, इस सर्कल का कहीं सेंटर भी होगा, चलो मार्क कर लेंगे, लिख लेते हैं ये आपका सपोज करो, ठीक है सेंटर है, तो इन पॉइंट्स को भी मार्क कर लेते हैं, इसको एम ले लेता हूं यहां पर, इसको मैं एन ले लेता हूं, और बाकी तो इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी तो मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, इन पॉइंट्स की तो फिलहाल जितना जरूरत, पहले ओ पॉइंट थोड़ा नीचे लिया जाएगा, हाँ यहां पर नहीं लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्रीज, और ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो यहां से एक चीज तो तय है कि ए एन ओ एम इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। हाँ सी, अच्छा अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, काम करते हैं, देखो ये टेंजेंट का काम कर रहा है, ये भी टेंजेंट का काम कर रहा है, ये दो लाइनें जो है टेंजेंट का काम कर रहे हैं, तो टेंजेंट का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इन दोनों को, इसको भी जोड़ देता हूँ, चलिए इनको जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज है, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं एंगल्स, कुछ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ये वाला जो एंगल होगा लाल कलर से जो मैंने बनाया, और ये दो एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ना, ये टेंजेंट हो गया, ये कॉर्ड हो गया, तो ये वाला एंगल ऑपोजिट सेगमेंट के इक्वल होगा, और उसी तरह से ये भी टेंजेंट है, तो अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये वाला जो एंगल होगा आपका ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मार्क्ड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये बस खाली लिखने के लिए है, ये देखो ये लाल वाला इस लाल वाले के इक्वल, ये ग्रीन वाला इस ग्रीन वाले के इक्वल, ठीक है ना, और ये वाला एंगल 45 डिग्रीज का होगा, तो ये एंगल 45 डिग्रीज का होगा, तो ये एंगल 45 और ये 135 डिग्रीज का, चलिए जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा एंगल 135 का होगा, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे उसको, ठीक है ना। अच्छा अब निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देखो एम भी, पहले एक एम रखते हैं, एम हमारा है, हमें फाइंड करना है डी सी इंटू बी सी, ये डी सी इंटू बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है ना, ये एम हमें ध्यान में रखना है। अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं ना, सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, ट्राइंगल सी, अच्छा एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लेते हैं इस कॉर्ड पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहां से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया मैंने, ये पी है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये बताओ ट्राइंगल सी पी एन आपका सिमिलर होगा, सी पी एन आपका सिमिलर होगा किसके, सी बी, सी डी एम, ठीक है ना, तो लाल वाला इसके इक्वल हुआ 90 डिग्री, ठीक है ना, तो एक
ठीक है, तो ए बी सी डी मैंने ऐसे लिया हुआ है, अब ये इन लाल वाले को मैं सिमिलर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, सी पी एन, ये लाल वाला, और किसके इक्वल होगा, सी डी एन के, एन के, ए कॉलर से ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी लगा लेते हैं, सी पी अपॉन सी डी इक्वल टू पी एन अपॉन डी एम इक्वल टू सी एन अपॉन सी एम, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा ग्रीन वाले भी ले लेते हैं, ट्रायंगल, अब ये ग्रीन वाला जो है, देखो ये वाला ग्रीन वाला, इसको लेते हैं सी पी एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी एम, इसका काउंटर हो गया सी बी एन, ये भी ए से आपने देख सकते हो फिगर में, यहां से हमने प्रोपोर्शनलिटी ले ली, सी पी अपॉन सी बी इक्वल टू पी एम अपॉन बी एन इक्वल टू सी एम अपॉन सी एन। ये देखो सेकंड, देखो थर्ड वाला सेम आ रहा है, देखो ये सी एन अपॉन सी एम, और ये देखो सी एन अपॉन सी एम सेम आ रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल में है। तो यहां से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा। हमारा इक्वल हो गया क्या, सी पी अपॉन सी बी इज इक्वल टू, देखो उल्टा करना पड़ेगा ना इसको, देखो ये उल्टा है, तो सी डी अपॉन सी डी, इसको सी डी अपॉन सी पी, तो सी डी ऊपर रहेगा अपॉन सी पी ये रहेगा, तो यहां से ये मिलके बनेगा सी पी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है ना। अब सी बी इंटू सी डी तो चाहिए था मुझे, सी बी इंटू सी डी यही चाहिए था मुझे, सी बी इंटू सी डी, अब सी पी का स्क्वायर सी पी, अब मुझे सी पी मिल जाए तो काम बन जाए सी पी, ठीक है ना। अब ये सी पी क्या दिया हुआ है इसमें, हाँ इफ द डिस्टेंस ऑफ द सी फ्रॉम द लाइन सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 5, ये सी पी 5 दिया हुआ है आपको, ऊपर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सी पी इक्वल टू 5, तो देयर फोर सी बी डॉट सी डी इक्वल टू 25 हो गया काम, देयर फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 25, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। डन। तो ए बी सी डी इज अ कॉन्वेक्स पेंटागन इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस विद डायमीटर ए बी, ये जो इसको डायमीटर बोला है इसने, ए बी को, ए बी यहां पर है, सी यहां पर है, डी यहां पर है और ई यहां पर है, ए को डायमीटर बोला है तो कहीं यहां पर सेंटर होगा, और ये लेंथ दी हुई है ए, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, इसको डी बोला है, तो यहां से अगर मैं इस सी वाले पॉइंट को जोड़ दूं ये वाला एंगल डेफिनेटली 90 डिग्रीज होगा, अगर इस वाले एंगल को थीटा बोल दूं तो देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉल्यूशन पे लिखूं मैं तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई इज साइक्लिक, फिगर में देख सकते हो आप, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए सी डी ई, ये भी आपका साइक्लिक है। तो इसका मतलब अगर मैं लेट एंगल ई, मैंने किसको लिया है, हाँ ए ई सी को, एंगल ए ई सी को मैंने थीटा लिया है,
तो अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल बन जाएगा 90 प्लस थीटा, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, बस हो गया काम। यहां से कोसाइन रूल अगर मैं लगाऊं, कोसाइन रूल लगाऊं अगर मैं, तो यहां से मुझे एसी का स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है, एसी का स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये सीधे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं सी ई का स्क्वायर निकालूं तो वो बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू सी डी कॉस 90 प्लस थीटा, कोसाइन रूल ये भी। तो ये बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ भी प्लस हो जाएगा 2 सी डी और ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन सबको ऐड करना है, तो यहां से मैं ले सकता हूं ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू 4 होगा इन ट्राइंगल ए सी ई, पाइथागोरस थ्योरम आप देख रहे हो। तो यहां से तो 4 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दूं, ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, यहाँ से सी स्क्वायर आ गया, यहाँ से डी स्क्वायर आ गया, इधर से 2ab cos थीटा और इधर से 2cd sin थीटा, ये आ गया आपको। इसको 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऊपर फिगर में, अगर आप देखोगे तो अगर आप ट्रायंगल ACE देखोगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा मैंने मार्क किया हुआ है देखो ऊपर, ए सी बाई ए ई। तो यहां से ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए ई टू है, टू साइन थीटा विच इज ग्रेटर देन बी। ठीक है ना, तो सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू, आपका जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी CE by AE। यहां से आपको CE की वैल्यू मिल जाएगी 2 cos theta और ये बड़ा होगा आपको C से। और हिंट में अगर आपको यह देखना हो तो obtuse triangle की प्रॉपर्टी ली है मैंने, obtuse triangle की प्रॉपर्टी ली है। बस Using in one, अगर आप one पे यूज करते हो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहां पर 2ab cos थीटा, 2 cos थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूं सी से, तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ये 2 sin थीटा को रिप्लेस कर देता हूं मैं बी से प्लस बी सी डी। ठीक है ना, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बड़े चीज को हटा के छोटी चीज रख दी है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, पहले वो इक्वल था 4 के, अब ये छोटा हो जाएगा 4 के। अप्रूव्ड। ठीक है ना, प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी If one angle is equal to 120 degrees, the triangle formed by the feet of the angle bisector is right triangle. ये प्रूव करना है ए बी सी वन। अच्छा, इसमें ट्राइंगल पे क्या दिया हुआ है, एक एंगल आपका, ये थोड़ा सा फिगर पे क्वेश्चन है, एक एंगल 120 दिया हुआ है, ये पूरा एंगल 120 दिया हुआ है और एंगल बाइसेक्टर्स बना रहे हैं। तो मैं एक एंगल बाइसेक्टर्स में आपको इसी कलर से एंगल बाइसेक्टर बना दूं, एक एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है, तो यानी कि ये 60-60 इंच, एक एंगल बाइसेक्टर ये दिया हुआ है,
ये एंगल नहीं पता, तो लेकिन ये पता है कि दोनों इक्वल है, और एक एंगल बाइसेक्टर और दिया हुआ है। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, इनके फिट को जोड़ के जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कह रहा है एम। आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल, नाम रख देते हैं इसका डी एफ। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी एफ इज राइट ट्रायंगल। ठीक है ना। देखो अब यहां पर ना ये फिगर पे ही काम है, सब कुछ लिखना काम है इसमें, फिगर पे ही ज्यादा काम है। अब जरा इस ट्रायंगल को गौर से देखो, ये इसको थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा अगर, तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी 60 का ही होगा, 60 60 60 180। अच्छा अब जरा गौर से देखना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये ठीक है ना, यानी कि इन ट्रायंगल BAD, देखो ये AE जो है एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है भाई, दोनों 60 60 में ब्रेक कर रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए, है ना, ये देखो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। और ये BE जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला VE। तो दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर ई इज एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABD, देयर फोर ये जो DE होगा ना, DE मस्ट बी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर, हाँ एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर ऑफ एंगल ABC। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, लेट दम बी इक्वल टू एक्स एक्स, ठीक है ना। इसी वाले प्रोसेस को अगर मैं इधर को प्रोड्यूस कर दूं ऐसे और इस ट्रायंगल पे लगाऊं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC पे अगर यही वाली कॉन्सेप्ट लगाऊं तो आपको मिल जाएगा ये वाला, ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे आपको, y और y ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे। सिमिलरली जो मैंने लेफ्ट में किया ना, जैसा मैंने इस वाले में किया ऐसा ही आप इस वाले में खुद करके देखो सेम चीज। तो बस अब नाउ हो गया काम, एक्स प्लस वाई प्लस वाई 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी। तो बस यहां से आपको एक्स प्लस वाई आपको 90 मिल गया, और एक्स प्लस वाई क्या है, ये ई डी सी एफ, एंगल ई डी एफ इक्वल टू 90 डिग्रीज प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया हमने, डन।